हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एंड आर पाठशाला। फिर से लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस विद करंट अफेयर्स 2021 का डेली डोज। हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए। हमारे आंसर बताने से पहले अपने आंसर बताइए और वीडियो के अंत में जरूर बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्रेपरेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, कृत युग, पाषाण युग, कल युग अथवा मध्यकाल। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता। ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, ध्यानचंद, लियंडर पेस या नॉर्मन पिचार्ड। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है नॉर्मन पिचार्ड। 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत की तरफ से 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले थे नॉर्मन पिचार्ड। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सिटी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या कलकत्ता। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई भारत की सबसे बड़ी सिटी कही गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति अथवा योजना आयोग। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है योजना आयोग। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संविधान से संबंधित है, योजना आयोग संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता कौन कहे जाते हैं। परमाणु कार्यक्रम के पिता, आर्यभट्ट, राजा रमन, होमी बाबा, वीएस रमन। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, होमी बाबा। अगला प्रश्न लेते हैं, कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन देखेंगे, बिहार, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। इसी प्रकार राज्य ने उमंग परियोजना भी प्रारंभ की थी कोरोना मरीजों के लिए, अब उसने संजीवनी परियोजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नरेंद्र बत्रा, कमल त्यागी, रमेश कुमार या मार्क पित्रेश। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नरेंद्र बत्रा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कब कराने की घोषणा की है। ऑप्शन देखेंगे, 2022, 23, 24 या 25। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है 2023। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप को अब 23 में कराने की घोषणा की है कोरोना की वजह से। अगला प्रश्न है, वात्सल्य योजना किस राज्य की योजना है। ऑप्शन देखेंगे, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। जो बच्चे कोरोना बीमारी के कारण अनाथ हो गए हैं उन बच्चों की देखरेख अब उत्तराखंड सरकार करेगी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई या 22 जनवरी। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 मई। 22 मई को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की। उससे पहले कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर था कनाडा। कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कई मित्रों ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रश्न है, 2021 का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन देख लीजिए, क्लोज हाओ, रॉबर्ट क्लाइव, नीको रोजबर्ग, पंकज बत्रा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना न भूलें। थैंक यू।